जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा था, इधर जनपद में हिंदू जागरण मंच ने मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में अलग अलग मंदिरों का भव्य श्रृंगार, भगवा ध्वज, विशेष आरती, महाप्रसाद वितरण करवा कर जनपद के माहौल को राममय कर दिया व 1100 घी के दिए जलाकर इस दिन को खास बना दिया। जगह जगह आतिशबाजी, मानो तो साक्षात प्रभु विराजमान हो गए। श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया है, किस तरीके से पूरे आयोजन को देखते हैं? आपने भी भव्य आयोजन किया है, उन्नाव में भी उत्साह है, किस तरीके का ये आयोजन था और किस तरीके का संदेश है? बहुत सुखद पल है ये, और लगभग 500 वर्षों के बाद और लगभग 3 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद ये ऐतिहासिक पल आया है। समस्त हिंदू समाज के लिए ये विजय का पर्व है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में आज भूमि पूजन हुआ है। पूरा विश्व और विश्व के साथ साथ तमाम ऐसे देश हैं जो भगवान श्री राम के नाम पर आज उत्सव मना रहे हैं। हम लगभग 1 सप्ताह से लोगों को जन जागरण कर लोगों में दिए बांटकर आज ये उत्सव का पर्व है। घर घर दिए जलाने का अपील कर चुका है हिंदू जागरण मंच, और लगभग जनपद के कई ऐसे मंदिर हैं जिनको भव्य श्रृंगार कराया गया है, महाआरती का आयोजन किया गया है, महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, और ये विजय पर्व हर वर्ष हिंदू समाज के लिए हर वर्ष ये मनाया जाएगा। दीपावली के जैसे दीपावली होती है, ऐसे एक विजय उत्सव के रूप में ये हिंदू जागरण मंच सबसे अपील करता है कि हर वर्ष इस 5 अगस्त को ये भव्य आयोजन किए जाएं, जिससे इतिहास के पन्नों में जो आज ये दर्ज हुआ है, क्योंकि ये एक कोरोना महामारी के चलते ये आयोजन बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप सबको ये ज्ञात है कि ये ढोल नगाड़े और पूरे शहर को रंगा जाता, तमाम आयोजन बड़े भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन अब ये एक कोरोना महामारी के चलते हम सबका एक दायित्व है कि हम सब उसका भी सहयोग करें और ये भव्य छोटे एक सूक्ष्म कार्यक्रम है भगवान श्री राम के नाम पर, और ये निरंतर हर वर्ष चलता रहे, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। और ये मैं पुनः आप सबको, आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपदवासियों को इस सफल आयोजन और इस शुभ दिन के लिए बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा ये शुभ आयोजन हुआ है।